Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी एंड दिस वीडियो इज बाय हर्ष राजपूत। तो हमारे जो धाकड़ रिपोर्टर है तो उनका लाइक वो वी कैन से नया वीडियो आया है यूपीएससी की तैयारी के बारे में। सो हाउ दिस वीडियो इज मेंट बी, चलिए देखते। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क से धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी हमारे यहाँ दिल्ली का जो एरिया है, मुखर्जी नगर एरिया है, जहाँ पे जिसको आईएएस बनाने की फैक्ट्री के भी नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे छोटे शहरों से लोग आके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं और अपने सपने को सच्चाई में बदलते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि ग्राउंड लेवल से आपको रिपोर्ट दिखा सके कि जो स्टूडेंट है किस तरह की तैयारी उनकी चल रही है और उनके साथ क्या है। तो हम उनसे लाइव बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो तैयारी है किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति इनसे बात करते हैं। हेलो, हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं आपसे। बढ़िया किया मास्क लगा लिया आपने। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र लाठी। राजेंद्र लाठी जी, राजेंद्र जी यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया दोस्त आपको तैयारी करते हुए? 4 साल लगभग। करीब 4 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए। हाँ, तो हमें ये बताइए कि जो 4 साल है, आपका तजुर्बा भी यहाँ पे बहुत है, तो 4 साल में आपका तो नहीं हुआ, लेकिन किसी आपके किसी दोस्त या फ्रेंड है जिनका जॉब हो गया? हाँ, काफ़ियों का हुआ है, जैसे कि हमारी गर्लफ्रेंड है उनका भी हुआ है। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड का भी हो गया। तो जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड का हुआ, तो कोचिंग वगैरह सब? हाँ, मतलब साथ ही जाया करते थे कोचिंग वगैरह, ये सब साथ में जाते थे। तो मुझे ये बताइए कि जैसे गर्लफ्रेंड का हो गया और आपका नहीं हुआ, तो वो कुछ इनपुट भी तो आपको दे सकती है जिससे आप अपनी तैयारी, तो ऐसा कुछ इनपुट देती है वो, आपकी मदद करती हैं? अब हमारी बात ही नहीं होती। क्यों? नौकरी हो गया तो बातें नहीं होता है? तो इसका मतलब आपका काट के चली, बेसिकली इनका जो है काट के चली गई है जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो इन्होंने फीस भी हम ही दिए थे। फीस भी कोचिंग का आप ही दिए थे? तो इसका मतलब राजेंद्र लाठी का काट के ही नहीं गई है, राजेंद्र लाठी की लाठी भी करके गई है। हम यही कहेंगे दोस्त, हम हमेशा यही कहते हैं कि फोकस ऑन योर गोल, यू विल गेट मेनी होल। ठीक है, गोल उल पे फोकस करो जी, सब बेकार है। तुम्हारा कोचिंग का फीस हो गया, अब छोड़े हुए होकर चली गई ना, जाओ पढ़े जाइए। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या बताएं साला, गोल पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, खाली होल पे ध्यान है। तो नहीं तो नौकरी होता है जी, पढ़ाई। अच्छा, अभी हमने सोचा कि अभी जाके हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से तैयारी करते हैं। तो ये हम ग्राउंड लेवल पे अभी आपको चल के स्टूडेंट के कमरों में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि है आईक्यू ऑप्शन। ट्रेडिंग करके लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आप भी आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम $10 से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और साइनअप करते आपको मिलेगा $10,000 तक डेमो अकाउंट में, जिससे आप ग्राफ का प्रेडिक्शन करके जीत सकते हैं ₹1,000। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेडिंग, मैजिक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केटिंग न्यूज भी मिल जाएगी, जिसे देख के आप ट्रेडिंग गुरु बन सकते हैं। मैं आपको रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एक ग्राफ है, तो मैं इसे अप पर लगा देता हूँ और करता हूँ एक मिनट का इंतजार। और ये देखिए, मैंने जीत लिया $76 बिल्कुल ही आसानी से, तो आप भी जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कीजिए आईक्यू ऑप्शन। और अभी हम चलते हैं, आपको एकदम ग्राउंड लेवल पर दिखाएंगे कि क्या जो यहाँ के स्टूडेंट रहते हैं किस तरह से तैयारी करते हैं, करते हैं कि लड़चट्टी करते हैं, क्या करते हैं। चलिए हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए धाकड़ न्यूज़, देखते रहिए धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ गए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में, जो कि यूपीएससी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो मध्यम वर्गीय परिवार है भारत का, उन छोटे छोटे जगहों से लोग आके अपने सपनों को साकार करते हैं इन्हीं छोटे छोटे कमरों में। तो आइए हमारे साथ, ये जो जगह ये देखिए, इतना छोटा कमरा है, इसी में लोग संघर्ष के साथ रहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में। ये कौन संघर्ष है? हेलो भाई साहब, अरे उठ साला उठ, काम ये तैयारी यहाँ कर आए हो ना, यूपीएससी का एस्पिरेंट है आप? हाँ, तो ये बताइए कि मतलब सो रहे हो यार, ऐसे तैयारी होता? अच्छा, रात भर पढ़ाई किए थे क्या, जग के कि दिन में सोते हो? कल संडे था तो वेब सीरीज देखे बस। अच्छा, वेब सीरीज देख रहे थे संडे था, तो इनका इंटरटेनमेंट का यही है कि जो कल शुक्रवार था यार, तुमको साला दिन भी नहीं पता, तुम लाड़ यूपीएससी करोगे यार? कल शुक्रवार था। हाँ? नहीं नहीं, लौड़ा सोमवार था। गजब हाल है यार, थोड़ा सा मतलब तैयारी करो यार, इतना तो ध्यान रखो। हाँ, भाई अच्छा ये बताओ कि ये कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 4 लोग हैं हम। 4 लोग, भाड़ा कितना देते हो?
12,000 यानी 3,000 रुपया है ना पर हेड। तो साला कुछ पढ़ लिया करो, इस तरह के यूपीएससी एस्पिरेंट है जिनको दिन भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है, क्या करेंगे, किस तरह से इनका रिजल्ट होगा, ये तो भगवान है मालिक है। साल पता है ना कि 2022 चल रहा है, बहू कह दो कि 1969 में हमने ये बाकी के रूममेट इधर है जी जी, इनके देखिए बाकी के रूममेट इधर है, ये इनसे भी बात करेंगे। देखिए किताब खुला है लेकिन फोन चल रहा है। इनके पिताजी भी देखिए, इनके पिताजी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे कि आप लग रहा है अब सीनियर भी हैं सबसे, पिताजी भी हैं, तो हमें ये बताइए कि इन लोग को ये कहते नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई करो जी? बहुत समझाता हूँ कि पढ़ें लेकिन पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ाई नहीं करते जी। तो बेटा कौन है आपका, ये है कि वो? बेटा नहीं है कोई, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। अब खुद एस्पिरेंट है, खुद तैयारी करते हैं जी जी। कब से कर रहे हैं तैयारी? 12 साल हो गए। 12 साल से? पर इतना में तो एक बच्चा पैदा करके उसको यूपीएससी करवा कर यूएस बनवा देते। देखिए इस तरह के भी लोग हैं, उम्र जाने के बाद भी अपना पूरा तरीके से लगे हुए हैं। इनको देख के भी हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि उम्र कुछ भी हो, यदि आदमी चाहे तो कभी भी गांड फाड़ सकता है। अच्छा। इनका जो है कि इनका मोटिवेशन देख के मुझे भी जोश आ गया है। 12 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी लगे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार का क्या सीन है? इस बार निकाल देंगे पक्का। इस बार निकाल दीजिएगा पक्का। ये देखिए मोटिवेशन देखिए, उम्र आगे नहीं आ रही है, इस तरह का जो मोटिवेशन है अगर रहे किसी में तो कुछ भी आदमी कर सकता है ना। तो इस बार ये निकाल रहे करें। अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है यूपीएससी में? सब्जेक्ट कुछ होता है ना, लेते हैं क्या सब्जेक्ट है? मेरा ज्योग्राफी है जी। ज्योग्राफी देखिए इनका ज्योग्राफी सब अच्छा। तभी इधर देखिए मैप वैप लगा रखा है इतना है, ये मैप इन्होंने यहाँ पे दीवार के रंग से ज़्यादा आपको यहाँ पे मैप दिखेगा, ताकि ये जो जगह है ये सब ये है तुम्हारा मैपिंग है। इन्हें यूपीएससी निकाला था का जी? एक आध को तुम पहचानते हैं लेकिन ये है? है ये मियां खलीफा है, ये सनी लियोन है, ये डैनी डेनियल्स है। अच्छा ये सब पता है तुमको? अगर 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 पूछ देंगे कि जो कौन सा देश है तो गांडलियन मुंह बना दोगे? हद है। लेकिन पोस्टर बढ़िया है जी, बरमुंडा बुरकुमार ये सब पोस्टरवा हमने फाड़ उड़ के ले चलेंगे घर, मस्त है, काम आएगा। तो इस तरह की जो चीज है ये देखिए, मिशन यूपीएससी 2022 होगा, लैंड होगा इस तरह से यूपीएससी, यही पोस्टर लगाए होंगे हमको पता है, पोर्नो रखे होंगे फोन में, मतलब पढ़ाई उड़ाई कर लीजिए, मैं आपके नीचे ही सब लगा के मतलब बैठे हैं, गजब हाल है। इस तरह की जो चीजें हैं, लेकिन एक एक चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है। इनसे बात किया, इनसे बात किया, लेकिन ये कमरा देखिए तब से बंद है। ये लोग चार लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये देखिए इतना हम मैं तेज बोल रहा हूँ फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो बंदा कमरा बंद करके अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए, अब इसका नहीं होगा तो किसका होगा आप बताइए। तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जो एस्पिरेंट देख रहे हैं इस धाकड़ न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड को, उन्हें पता चल जाए कि बहनचो तैयारी होती कैसे है। हा? इस तरह से कीजिएगा, इधर बैठ के गांड फाड़ के सूते हैं, उधर पोस्टर मार के बैठे तो लाइन होगा जी। इनसे थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लेकिन जरूरी है कि आप लोगों को दिखाएं। है जी ये देखिए इनका चेहरा ही देखिए, चेहरे पर ऐसी चमक देखिए, ये चमक ही बता रही है कि ये पढ़ाई में लगे हुए हैं, होनहार विद्वान के हो तो चिकना चेहरा जो भी है। तो हमें बताइए कि हम तब से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, आपको देख रहा है इतनी देर से लगातार आपने कमरा बंद करके पढ़ाई जारी रखी हो, कहाँ से मोटिवेशन है, कहाँ से? भैया बस इस पर निकाल लेंगे इस बार। अरे इसका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा जी? ये देखो तो हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह का रूटीन है आपका, थोड़ा सा पढ़ाई में क्या बाद में? अरे नहीं ना, थोड़ा सा किताब उताब दिखाइए जो है आपका यहाँ पे। अरे भाई ये है तुम्हारा तैयारी? नोट्स बना रहे थे सर। नोट्स बना रहे थे? ये देखो साला इंटरनेशनल माल ला के बैठे नोट्स बना रहे हैं, एक किताब नहीं है इस कमरे में, कहाँ से नोट्स बना रहे हो? ये है तुम्हारा नोट्स? ये है नोट्स तुम्हारा? इनविजिबल है जी, पतला वाला का ठीक है। तो सब तैयारी यही तैयारी है, इतना कमरा लेकर रह रहे हो और
नाइस अच्छा मतलब थोड़ा सा तो यार ये सब का हम बोले हेलो 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 द द वे बर्थ यू यू कम दिस दिस वर्ल्ड यू कम वेयर व्हाट यू यू दिस 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 वर्ल्ड यू बोलते बहन चो अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था दिस योर बर्थ वेयर रशिया रशियन मान लाया बहन चो नोट्स बना रहे थे हाँ एकदम फिर कहा हम बताए यार इन इस तरह से तैयारी करते हो तुम बहुत दिक्कत है यार हेलो अरे साइड वाला जमीनवा था ना जी हाँ उसको भेज दो बहन चो पैसा भेजो हम अब दिल्ली में तैयारी करेंगे हाँ अच्छा ठीक ठीक अच्छा। पैसा भेजो बहन चो पूछ रहा का है बेच रहा अरे कितना रेंट का है जी कितना 12,000 रेंट है मतलब तीन तीन देते हो चलो हमको भी रखो रूममेट हम भी तैयारी करेंगे हम लोग भी नोट बनाएंगे ठीक है एक बेड डालो बहन चो नहीं इसी यही बेड है हमारा अच्छा यही रहेगा हम भी अब करेंगे तैयारी वी वी विल मेक नोट्स यू नो I am Dharmendra Thakad, the world's bench, the world's biggest news network ion, you know? Yeah, yeah, yeah. And camera band karo ji, hum sab thoda sa tayari wari ka baat karte hain. Achcha, achcha. We will make very beautiful notes, you know? Yeah, yeah. Reporting chodo bench, ye sab kuch hai, wo pata nahi tha ki aisa cheez hai. Band karo camera bench, band karo, chalte hain. We will make some big, good. Kuch hum karenge, lekin karenge. मजाक है यार क्या तैयारी हो रही है यार यूपीएससी की वेरी नाइस तो मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसा मतलब पूरा मतलब रूम लेके एक जगह पे मतलब जाकर कोचिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स तो मुझे पहली बार ही पता चला कि ऐसा सब कुछ होता है और मतलब पता भी चला और मतलब असल में होता क्या है वो भी पता चला हमें धाकड़ न्यूज के माध्यम से यार जैसे ये मतलब जो इनोसेंट फेस बना के वो लास्ट वाला बंदा जो बाहर आया कमरे के और हर मतलब यहाँ पे जो धाकड़ हमें धर्मेंद्र धाकड़ जी वो जो इतने तारीफ कर रहे थे और उसके अंदर जाके इट इज लाइक ये नोट्स है यार मतलब लोग क्या क्या करते हैं अपने रूम में मतलब डेंजर है लेकिन मजा तो बहुत ज्यादा आया है ना सो दैट इज इट फॉर टुडे अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे देगा रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो प्लीज फॉलो दैट थैंक यू